नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल अनिल टेक विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ क्विक मास्किंग। अब लाइक यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया वरुण धवाल, ठीक है। अब ये इमेज मेरे पास है, इसे कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक किए, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। अब लाइक मैं चाहता हूँ ये इमेज न्यू लेयर पर रिडायरेक्ट हो जाए, न्यू लेयर पर ओपन हो जाए, तो माउस के राइट बटन क्लिक करना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड इसके ऊपर क्या करना आपको डबल क्लिक। देखो ये इमेज ओपन हो गया, ठीक है। अब क्विक मास्किंग करने के लिए आपको क्यू प्रेस करना है, कीबोर्ड से क्यू प्रेस करना है, ठीक है। तो देखो ये रेड हो गया। अब यहाँ पर ब्रश टूल को आपको एक्टिव करना है। ब्रश टूल, ब्रश का साइज बढ़ाना हो तो राइट वाले कर्ली ब्रैकेट, और घटाना हो तो लेफ्ट वाले कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब लाइक ऐसे हम ब्रश चला देते हैं। जैसे ब्रश चलाओगे तो यहाँ पर ऐसे रेड टाइप का आ जाएगा। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पेज को मूव करना हो तो स्पेस बार एंड ड्रैग करना आपको। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं लेफ्ट वाले कर्ली ब्रैकेट से, और ऐसे चला दिए। कुछ मिस्टेक हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लेना आप। कंट्रोल जेड पर क्या होता है? अनडू। ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करना हो तो राइट वाले कर्ली ब्रैकेट। ऐसे बारीकी से क्या करना आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलो ऐसे कुछ सिलेक्ट हो गया। थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं हम। ये सिलेक्ट हो गया। अब क्या सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना, सिलेक्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना आपको। लोड सिलेक्शन, इन्वर्ट, ओके, ठीक है। ऐसे कुछ सिलेक्ट हो गया। अब लाइक मैं चाहता हूँ कि जितना भी पार्ट सिलेक्ट हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी पार्ट सिलेक्ट हुआ है उसमें क्या हो जाए? ब्लर आ जाए, ठीक है। तो ब्लर करने के लिए पहले इसके ऊपर माउस के राइट बटन क्लिक करना और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। अब फिल्टर में जाना आपको, ब्लर के ऊपर क्लिक एंड गार्जियन ब्लर। ठीक है, लाइक इतना अप्लाई कर दिए, ओके के ऊपर क्लिक। लग रहा है आपको इसको ज़्यादा ब्लर अप्लाई हो गया, थोड़ा कम भी कर सकते हो इसके ऊपर डबल क्लिक करके। ये देखिए थोड़ा कम हो गया, और भी कम करना है इसके ऊपर क्लिक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो कोई भी इमेज में ब्लर इफेक्ट, या फिर कोई भी आप चेंज भी कर सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है। डबल क्लिक किया, या फिर आपको लग रहा है कहीं पर रह गया तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फिर से वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ आ गए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।